हेलो दोस्तों, आज मैं आपको आस्तीन अलग से लगाना बता रहे हैं। दोस्तों ब्लाउज में कैसे आस्तीन अलग से लगती है। दोस्तों ये दोनों फिटिंग की आस्तीन सिल चुके हैं दोस्तों। अब इसकी वीडियो भी डाल चुके हूँ। ये आस्तीन है दोस्तों। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे जो भी वीडियो डालेंगे आप तक की दोस्तों पहुँच जाएगी। ये आस्तीन है। अब पहले हम इसकी नाप ले लेते हैं दोस्तों। ये ब्लाउज है, उल्टा करके इधर से हम दोस्तों इस तरीके से नाप लेते हैं दोस्तों। ये है दोस्तों 8.5 इंच। तो हम साढ़े आठ इंच ऐसे 8.5 ले लेते हैं नाप दोस्तों। 8.5। अब इधर से दोस्तों लेते हैं 6.5 इंच। ये इधर से दोस्तों इधर से 6.5 और उधर 8.5 इंच। अब हम ऐसे करके दोस्तों की सिलाई करती हूँ। ऐसे करके बहुत अच्छी बहुत अच्छी फिटिंग आती है दोस्तों आस्तीन में। ये हो गया दोस्तों। अब इधर भी दोस्तों इसको भी ऐसे ही नाप लेते हैं दोस्तों दोनों आस्तीन। इसको भी ऐसे करके 6.5 इंच ऐसे करके दोस्तों 8.5 इंच। इसको ऐसे करके ऐसे लाइन खींच दिया दोस्तों ऐसे। ऐसे करके पहले इधर को सिलाई करके लाए दोस्तों, फिर इसको पीछे वापस ले जाते हैं दोस्तों।
दोस्तों ये देखिए सिलाई फिटिंग की, अब हम अलग से लगाते हैं। अब इसको हम उल्टा कर लेते हैं, ये उल्टा कर लिया मैंने, सीधा उल्टा है, सीधा कर लिया। अब ये दोस्तों ये सीधा वाले आगे साइड का पल्ला है, तो ये जिधर गोलाई है दोस्तों यही ऐसे करते हैं, ये जोड़ में जोड़ पकड़ के दोस्तों इसको ये जोड़ पकड़ा है, बहुत आराम से आएगा दोस्तों इसको ये जोड़ के। ऐसे करके दोस्तों बहुत आराम से आस्तीन लगानी है। ये देखो दोस्तों बहुत बराबर, फिर जो बराबर नाप के दोस्तों सिलाई होगी आस्तीन और ये मुड्ढा, तो दोस्तों बहुत आराम से हारमोल और आस्तीन दोनों नापी जाएगी दोस्तों, तो बहुत आएगा सही से। इसलिए दोस्तों बिना अलग से लगाने से ऐसे नाप के लगाएंगे तो बहुत फिट बैठेगी आस्तीन और झोल भी नहीं आएगा आस्तीन में दोस्तों, ना ही कपड़ा दबेगा, बहुत आराम से लग जाती है दोस्तों। इधर दोस्तों लग सिल ली, बहुत आराम से दोस्तों आस्तीन अच्छी आती है फिटिंग। ये देखो दोस्तों जोड़ में जोड़ बराबर आस्तीन आई है, अलग लगाने से इस तरीके से बहुत अच्छी आती है, ना कहीं झोल ना सिमटा, बहुत अच्छे से। अब दोस्तों दूसरी आस्तीन ऐसे लगा के दिखाते हैं, आस्तीन सीधी रहती है और ये वाला पल्ला उल्टा रहता है दोस्तों।
इसको भी दोस्तों इस चीज तरीके से आराम आराम दोनों चीज बराबर रखना दोस्तों। देखो बराबर है ना, कम ना ज्यादा दोस्तों, बराबर होना चाहिए, नहीं तो एक सुखड़न देती है। आस्तीन में दोस्तों सही से आते नहीं, इसलिए बराबर से आस्तीन लगाना चाहिए दोस्तों। ये देखो जोड़न जोड़ आ गया दोस्तों। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, जिससे हम दूसरी वीडियो भी डालेंगे जो वो आप तक ही पहुंच जाएगी दोस्तों। मेरी वीडियो जब देखेंगे दोस्तों तभी आप लोगों को समझ में आएगा मेरी वीडियो, एक एक पॉइंट एक एक इंच बताती हूँ दोस्तों। इस तरीके से एक बार आप ब्लॉग बना के देखिए, फिटिंग करके देखिए, बहुत अच्छी फिटिंग आएगी दोस्तों। अगर साड़ी महंगी हुई, अगर ब्लाउज गड़बड़ हो गया दोस्तों तो साड़ी बेकार हो जाती है, इसलिए ब्लाउज अच्छा होना चाहिए, फिटिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर साड़ी जो है सस्ती भी होती है दोस्तों, तो अगर ब्लाउज सही से सिला होता है तो सस्ती भी साड़ी महंगी दिखने लगती है दोस्तों, इसलिए ब्लाउज बहुत हिसाब से सिलना चाहिए दोस्तों। देखो देखो जोड़ पे जोड़ आया दोस्तों, ना सुकड़न, देखो ये भी सफाई से, इधर भी, ये देखो दोस्तों ये भी बराबर, इधर भी दोस्तों बहुत आराम से, ये बहुत अच्छा ब्लाउज बना दोस्तों। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा, इससे जो भी वीडियो डालेंगे तो आप तक ही पहुंच जाएगी। अभी दोस्तों अगर नए हैं तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए, अच्छी अच्छी वीडियो डालेंगे हर एक चीज की कटिंग की, मेरी वीडियो जरूर देखिएगा। फिर हम अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। इधर ऐसे हो गया, ये आगे का दोस्तों, वो लटकन ये बहुत अच्छा बहुत प्यारा सुंदर लग रहा है दोस्तों। फिर अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों।